कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में। ऐसा क्या देख रहा हूँ? देख रहा हूँ कि तुम कितनी हसीन दिखने लगी हो। तो पहले नहीं थी क्या? शायद। लेकिन अब दिल करता है कि तुमको हर वक्त सामने बिठा कर देखता रहूं। सायरा खाला की हर याद में सारा झुक गया। क्या मेरी जरूरत है आंख भर के देखूं तुझे? सुन पाओगी तो? बस यही मोहब्बत एतवारे में इतना सर। तेरा मेरा साथ जो होगा कितनी चाहते होंगी, गम न होंगे कितने हमारे, कितनी राहते होंगी। ये तेरा चांद सा चेहरा नजर में है अभी ठहरा, जहां भी देखा तू नजर आता रहा। एक बात मेरी कान खुलकर सुन लो, मैं तुम्हें कभी भी कामयाब होने नहीं दूंगी, तुम्हें तो इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी। मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी चाहिए तैमूर, मेरी तो दुआ है कि फलक तुम्हें कोई ना कोई खुशी जरूर दे। की तो घर था तुम्हारे पास नसरीन खाला, तो वो भी नहीं रही। उसे तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हें किसी बात की फिक्र है। सही कह रही है, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरा शौहर है। कौन? तैमूर? ये तुम्हारा भी घर है, और मेरे होते हुए तुम्हें कौन इस घर से निकाल सकता है? मैं? आप मेरे फैसले के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तैमूर ने मुझसे कोई बात ही नहीं की, ना कुछ पूछा मुझसे कि किंजा भाभी ने क्या कहा। शायद वो अपनी परेशानी और गम में मेरी परेशानी भूल गए। और अगर सुहेल भाई भी किंजा भाभी को राजी ना कर सके तो क्या होगा? वकार साहब से मिलने गई थी, मगर क्यों, किस लिए? मुझे भी तो पता चले हमारे हाथ में क्या कुछ है। इसकी क्या जरूरत थी किंजा? तुम्हें क्यों मालूम करना था?
तुम्हें पता है सब कुछ हम दोनों भाइयों का ही है। फोन पे बताया तो था आपको। क्या क्या मतलब क्या? पता नहीं आजकल दिमाग कहाँ होता है आपका, कुछ याद ही नहीं रहता आपका। अगर मैं कुछ भूल भी गया हूं तो खुदा के लिए मुझे बता दो, मगर मेरी बर्दाश्त का यूं इम्तिहान मत लो। इम्तिहान तो अब सर पे आने वाला है। समझा नहीं। देखिए सुहेल, आपको मुझ पे भरोसा है ना? मुझे गलत मत समझिएगा, आज नहीं तो कल आप दोनों भाइयों को अलग तो होना ही है ना? ये बात तुम कह रही हो किंसा? जो अपने मुंह से हजार बार कह चुकी हो कि तुम्हें तैमूर अली की तरह प्यारा है। वो तो मैं अभी भी कहती हूँ। तो फिर अब ऐसा क्या हो गया है? तैमूर को लगता है, बल्कि उससे ज्यादा तो अब उसकी बीवी को लगता है कि मैं उनका इस्तेमाल कर रही हूँ। और जब से उसकी बीवी ने मुझ पे घटिया इल्जाम लगाया ना, मुझसे वो अपने घर में बर्दाश्त नहीं हो रही है। फलक इस बात की तुमसे माफी मांग चुकी है, उसे माफ कर दो यार, खत्म करो इस किस्से को। वो तो मोहतरमा अपनी सारी कहानी आपको सुना चुकी और आपने एतबार भी कर लिया, इसीलिए तो कह रही हूँ उनका हिस्सा उन्हें दें और यहाँ से चलता करें। रही बात बिजनेस की, तो हम खुद संभाल लेंगे। तैमूर से पहले भी तो आप ही बिजनेस संभालते थे ना? और मैं हूं ना आपके साथ। सारे बिजनेस के मालिक तो सुहेल साहब ही है ना, उसमें तैमूर साहब का जो हिस्सा है वो सिर्फ 20% बनता है शेयर, और सुहेल साहब का 80%। ये कंपनी अभी सुहेल साहब ही के नाम है।